श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव पंडित जी के मुखारविंद से उपाय सुने। कमेंट्स के आधार पर मैंने ये वीडियो डाला है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला नारी, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, पांच दिन, चार दिन, तीन दिन, सात दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के जमाने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे। तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं? रजो धर्म के समय पर, जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजो धर्म का समय होता है, उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। दो दिन, तीन दिन, जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मान, पांच दिन, तीन दिन, चार दिन, जैसा मान सकते हो उतना मान। हम के भी देंगे कि सात दिन तक तुम पूजन मत करो या सात दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो, ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं। उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए, आपका हृदय कहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पशुपति नाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपति नाथ का व्रत करती हैं, तो बीच में रजो धर्म का समय आ जाता है, उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के तीन हिस्से नहीं करोगे, और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा, एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबेरे कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम न टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, कि रजो धर्म के समय पर नारी स्त्री भगवान का नाम ले कि ना ले, और रजो धर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे? अगर उमा संहिता को देखा जाए, तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजो धर्म के समय पर यदि कोई व्रत पढ़ता है और व्रत का उपवास करना जरूरी होता है, तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है, और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके सात दिन पूर्ण हो जाते हैं, तो सात दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है, और व्रत धारण करा तो सात दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति
जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ के पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है अगर व्रत रखती है। एक यहां हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक सहज भाषा में लो, छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत यहां करती है माता, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया, उसमें बीच में किसी नारी का रजो धर्म आ गया, तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोलो, करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर के बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ, मैं व्रत करूं कि नहीं करूं? तो दादी कहती है, बेटा देख, पूजन भले मत करना, तू सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।